सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके प्यारे चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। सो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं आपने गलती से साइंस 2 वाले चैप्टर पे तो नहीं क्लिक कर दिया, क्योंकि आप अभिषेक सर को देख रहे हो साइंस 1 पढ़ाते हुए। ठीक है, सो बच्चों एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो राहुल सर है उनकी थोड़ी सी तबियत खराब हो चुकी है। जैसा कि आप लोग को मैथ्स वाले लेक्चर में पता ही होगा कि उनकी तबियत थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, लेकिन आपको पूरा का पूरा सिलेबस तो पढ़ाना ही है। जैसे हमने प्रॉमिस किया है वैसे हम आपका सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। इसलिए राहुल सर नहीं तो मैं आपको आपका ये जो चैप्टर है दैट इज साइंस 1 का जो चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है दैट इज मेटलर्जी, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अब अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं उनको केमिस्ट्री कैसे आएगा, सो बच्चों मैंने मास्टर्स ही केमिस्ट्री में किया हुआ है। ठीक है, मैं मास्टर्स कर रहा हूं के अंदर तो मुझे बहुत नॉलेज है इन सारी चीजों की। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। सो राहुल सर की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, राहुल सर आ जाएंगे आपके। ठीक है, उनको फटाफट जाना इंस्टाग्राम पे जाना राहुल सर के, और राहुल सर को बहुत सारा प्यार देना उनको। ठीक है, उनको बताना कि सर, उनको बोलना सर आप जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि आप हमारे लेक्चर्स ले सको। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस लेक्चर को पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा लेसन, जितना पूरा का पूरा लेसन है ना, उसको इसी एक शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट वीडियो तो नहीं होगी एक्चुअल में, ये बहुत बड़ी थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, अराउंड 1 आवर की वीडियो हो सकती है ये। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं वीडियो को तो मुझे नहीं पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो होगी, बट हाँ थोड़ी बड़ी वीडियो होगी, तो पेशेंस रखना। पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मैं आपको इजीली सिखाने वाला हूं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। सही है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर से डरना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे रिएक्शंस हैं इसके अंदर, तो बच्चे डर जाते हैं कि सर इतनी सारी रिएक्शन से कैसे याद होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आज सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, सो सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर रखो, अगर टीवी चल रहा है तो टीवी बंद कर दो, कोई दोस्त आपको फोन कर रहा है तो उसको बोलो यार अभी मुझे पढ़ना है। ठीक है, और एक कोने में बैठ जाओ और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, समझ में आई बात। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो लाइव हो चुका है प्ले स्टोर के ऊपर। तो अगर अभी तक आप लोग ने डाउनलोड नहीं किया तो जाके फटाक से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, बिकॉज वो बहुत ही अच्छी सी एप्लीकेशन है। उसके ऊपर बहुत सारे आप लोग को क्विजेस देखने मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज देखने मिल रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर वीडियोज आने वाले हैं उसके ऊपर, तो जाके डाउनलोड कर लो। और वो एकदम फ्री एप्लीकेशन है, एक भी रुपया हम चार्ज नहीं कर रहे उसके ऊपर अभी आपसे, तो एकदम फ्रीली एप्लीकेशन है। फ्री की चीजों का थोड़ा मजा ले लो। ठीक है, मजे यूज करो उस चीज को। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, जैसे मैं आपको बायोलॉजी का सेक्शन पढ़ाता हूं, साइंस 2 वाला सेक्शन पढ़ाता हूं, तो उसमें भी अगर आपको कोई डाउट होता है, साथ ही साथ इस लेसन में या फिर केमिस्ट्री के कोई भी सेक्शन में कोई भी डाउट होता है आपको, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, तो उस चीज में आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, दैट इज दी अभिषेक 8983। ठीक है, ये बीच में हाइफन लगा देना, हाइफन तो नहीं है ये, उसके नीचे लगाते क्या बोलते इसको यार, पता नहीं मेरे को, बट हाँ कुछ भी है, द अभिषेक 8983, इस पे आ जाना। आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, साथ ही साथ अगर आपको कोई फीडबैक देना है वो भी आप वहां पे आके मुझे दे सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। सही है, ठीक है, अगर आपको मेरी भी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही है तो मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है बच्चों। ठीक है, मुझे भी थोड़ी सर्दी हुई है, आजकल वेदर ही ऐसा चल रहा है। ठीक है, वेदर इतना चेंज हो रहा है, ठंड इतनी बढ़ चुकी है बॉम्बे में कि जो ये है लोगों की ये है बीमारियां हैं वो जल्दी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग जैसा आपको प्रॉमिस किया कि हम लोग ने आपका जो चैप्टर कंप्लीट करवाना है 1st of Feb से पहले, तो हम आपका चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे। क्लियर है, सो दिस इज द फुल चैप्टर, एक ही पूरे लेक्चर में हम आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो ध्यान देना और पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे मेटल की और नॉन मेटल की। मेटल क्या होता है, आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि मेटल क्या होता है। भैया मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे मेटल बहुत ही हार्ड होता है, सही है, बहुत ही मेटल हार्ड होता है, लेकिन एक आता ऐसा मेटल है जो हार्ड नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन भी होती है। देखो ये ना केमिस्ट्री की पार्ट है, लेकिन केमिस्ट्री में भी ना एक ब्रांच होती है इनऑर्गेनिक। अभी आप लोग छोटे हो, अभी आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन जब आप आगे चल के केमिस्ट्री अगर आप फ्यूचर में पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में एक ब्रांच होती है इनऑर्गेनिक की। ठीक है, एक ऑर्गेनिक होता है और एक इनऑर्गेनिक होता है। तो इनऑर्गेनिक में जनरली हम लोग ये सारी हम लोग पढ़ने वाले नहीं, जनरली इनऑर्गेनिक का पार्ट है। तो इनऑर्गेनिक में ना एक्सेप्शंस देखने के लिए बहुत मिलती है। ठीक है, आप लोग ने बहुत सारे मूवी सीरीज में भी देखा होगा कि एक्सेप्शन बहुत है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो सारे के सारे हार्ड होते हैं। ठीक है, एकदम कठोर होते हैं, जैसे आप लोग ने आयरन देखा होगा। ठीक है, आयरन देखा होगा, फिर आप लोग ने बोल सकते हैं मैग्नीशियम देखा होगा, सही है, फिर आप लोग ने ये देखा होगा, और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, हमारे आसपास बड़े सारे मेटल्स होते हैं, तो जितने भी आपने मेटल्स देखे होंगे वो जनरली क्या होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन विच इज सोडियम। ठीक है, सोडियम एक ऐसा मेटल है जो हार्ड नहीं होता बच्चों, इतना सॉफ्ट होता है ना कि ऐसे नाइफ से भी कट जाता है।
आयरन का नाइफ से कटेगा? नहीं कटेगा ना, वो दूसरे किसी ब्लेड से, एक्सो ब्लेड आता है उससे कट सकता है, बट क्या ये नाइफ से कटेगा? एक्सो ब्लेड से बहुत डिफिकल्टी होती है काटने में, बट ये नाइफ इतना सॉफ्ट होता है ना कि ऐसे रखो आराम से कट जाता है। सो इट इज अ एक्सेप्शन फॉर हार्डनेस, समझ में आ रही है बात? ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बस इतना सा आप लोग को बता रहा हूं। क्लियर है, समझ में आ गया? सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज जो आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखी है मेटल्स के बारे में। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी? देखो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी चीज को पास से देख रहे हो, ठीक है, मतलब बाहर से देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉटल है, ठीक है, ये एक बॉटल है, अब इस बॉटल को मैं बाहर से देख रहा हूं तो मुझे क्या क्या समझ में आएगा कि भैया ये बॉटल जो है ये प्लास्टिक की बनी हुई है, ठीक है, इसके अंदर एल्युमिनियम है, सही है, जिसके वजह से हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जिसके वजह से मेरा ठंडा पानी इसके अंदर ठंडा रहता है, सही है, ऐसे ऐसे कुछ मुझे प्रॉपर्टीज देखने मिल रही है। फिर यहां पे एक मुझे होल्डर देखने के लिए मिल रहा है, तो जो चीजें मुझे बाहर से देखने के लिए मिल रही है दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, समझ पा रही बात? दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो वैसे अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल में कौन कौन सी चीजें देखने मिलती है? दैट मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है, मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है बच्चों। यहां पर एक मेटल है दैट इज मर्क्यूरी, जिसको हम लोग मर्क्यूरी इज अ मेटल, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मर्क्यूरी इज अ मेटल जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी के सारे मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड होते, ठीक है। उसके बाद मेलियबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब पढ़ा है ना आप लोगों ने। डक्टिलिटी मतलब क्या? कि इसको आप तोड़ तोड़ के एक थिन वायर में कन्वर्ट कर दो, दिस इज नथिंग बट अ डक्टिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। वैसे ही अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं नॉन मेटल्स की, किसकी बात कर रहा हूं मैं अब? नॉन मेटल्स की, ऐसे जो मेटल्स नहीं है, तो उनमें क्या होगा? दे आर मोस्टली सॉलिड, ठीक है, ये भी क्या होंगे? मोस्टली सॉलिड होंगे, लेकिन कुछ कुछ गैसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, देर आर फ्यू गैसेस भी होंगे और कुछ लिक्विड भी होंगे। जैसे गैसेस की बात करूं तो क्लोरीन, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल बट वो गैस में एग्जिस्ट करता है। वही अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो आयोडीन, आयोडीन इज अ लिक्विड फॉर्म लेकिन वो क्या है? नॉन मेटल, ठीक है, वो क्या है? नॉन मेटल, लेकिन किसमें एग्जिस्ट करता है? वो लिक्विड में, सही है। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, देखो नोट डाउन कर रहे हो ना आप, ये सारी चीजें नोट डाउन जरूर से करना, नोट्स बनाते रहना, ठीक है, चीजों को लिखते जरूर रहना, वरना आपको चीजें याद नहीं रहेगी। मैं हमेशा बोलता रहता हूं, जो साइंस टू के वीडियोस देखते हो आप, उसमें भी हमेशा बोलता रहता हूं कि बच्चों हर एक चीज को नोट किया करो। अभी आपको टाइम नहीं मिल रहा तो अभी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, मैं साइड में हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में इस चीजों को अपने बुक में नोट किया करो, तभी आपको चीजें याद रहेंगी, सही है। सो सॉलिड, मोस्टली नॉन मेटल्स है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, बट कुछ गैसेस में भी होंगी, जैसे क्लोरीन, ठीक है, ये एग्जांपल ले लो, कुछ लिक्विड में भी होंगे जैसे आयोडीन, ठीक है, आयोडीन फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो आयोडीन किसमें होगा? लिक्विड में होगा, और क्लोरीन किसमें होगा? गैसेस में होगा, बाकी सब किसमें? सॉलिड में, ठीक है। सम आर सॉफ्ट, ठीक है, मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शन है, दैट इज डायमंड। डायमंड देखा है आप लोग ने? देखा ही होगा, ठीक है, देखा ही होगा डायमंड। सो डायमंड इज अ नॉन मेटल, ये अलॉय है कार्बन का, कार्बन का अलॉय है, दैट इज डायमंड, बट इट इज वेरी हार्ड, ठीक है, ये इतना हार्ड है ना, मतलब दुनिया की सबसे हार्ड चीज ऐसा बोलते हैं कि यही है, सही है। उसके बाद नो लस्टर, ठीक है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी बोल सकते हो। वैसे अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर, सही है, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, बट आई नो आप लोगों को आता है, मुझे पता है, आप जैसे आप बच्चों को पता है कि मेटल आर गुड कंडक्टर और दीज आर बैड कंडक्टर, वही इसका भी एक्सेप्शन है, जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, जिसमें जो ग्रेफाइट है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही है, ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पता है जब हम लोग को पढ़ाया था, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो हम लोग को जब पढ़ाया था कि ग्रेफाइट इज अ बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही है, ये एक एक्सेप्शन था। सो मैंने क्या किया था पता है? पेन पेंसिल की जो ये आती ना नोक, पेन पेंसिल की जो नोक आती है, मैंने क्या किया? उसको स्विच बोर्ड में डाला, स्विच बोर्ड चालू कर दिया, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा शौक लग गया था। आप कोई मत करना, कोई बच्चे नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि हाँ ये सच में गुड कंडक्टर है कि नहीं, मैंने वो कर दिया था और सच में मुझे शौक लग गया था, तो मुझे पता चल गया था उस टाइम पे कि हाँ ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाकी के सारे क्या होंगे? बैड कंडक्टर, ठीक है, बाकी के सारे क्या होंगे? बैड कंडक्टर, बट इट इज अ गुड कंडक्टर। क्लियर है यहां तक? और कुछ देखते हैं हम लोग। नाउ हम लोग बात करेंगे दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि उसके अंदर प्रेजेंट कौन कौन सी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस बॉटल की बात कर रहा था ना, तो मुझे दूर से देखने में ये, लेकिन इसके अंदर किस क्या क्या चीज प्रेजेंट है? ये किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है। प्लास्टिक क्या होता है? इथीन होता है, पॉलीइथीन होता है। फिर पॉलीइथीन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, CH2CH3, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। किसमें हम लोग डिस्कस करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज में। साथ ही साथ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया
ये जो सब्सटेंस है ये किससे रिएक्ट होता है, किससे रिएक्ट नहीं होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, सही है। सो आ जाओ देखते हैं। सो सबसे पहला क्या दिया है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है, और तो और मेटल्स आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। मेटल्स आर, ये भी लिख दो, दैट मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्ट होते हैं बच्चों, ठीक है, किसी भी चीज से, किसी भी दूसरी चीजों से ये क्या होते हैं, फटाक से रिएक्ट कर जाते हैं। देन इट इज अ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रो पॉजिटिव, देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब क्या होता है, आप सबने देखो, मैं आप लोग को छोटा सिखाता हूं एकदम डिटेल में और थोड़ा सा बेसिक सिखाता हूं क्या होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक मेटल है एल्युमिनियम, ठीक है, एक मेटल है एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 13, सबको पता है ना एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 13, आप लोगों को राहुल सर ने याद करवाया ये। तो एल्युमिनियम कितना, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इसका मतलब क्या है कि इसका जो लास्ट शेल होगा, ठीक है, जैसे ये आपका प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन के बाहर क्या होते हैं, शेल्स होते, सही है, प्रोटॉन के बाहर क्या होते हैं, शेल्स होते। तो जो सबसे पहला वाला शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। फिर जो अगला वाला शेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सो हियर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने थोड़ा चिपका दिया है, चिपकाना मत, अब लोग थोड़ा नीचे ही रहेगा वो, ठीक है, अलग कर दूं क्या थोड़ा सा, चलो अब बढ़िया है, ठीक है, अब चिपका नहीं हुआ। सो दीज आर द 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 13, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दीज आर द 3 इलेक्ट्रॉन्स जो कि सबसे आउटर मोस्ट शेल में है, सबसे बाहर वाले शेल में है, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो हर एलिमेंट को क्या करना है, हर एलिमेंट को भैया खुद को स्टेबल करना है, खुद को स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए उसको, अपने ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर वो अपने ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन ला देता है कहीं भी किसी से भी रिएक्ट करके, तो मैं क्या कहूंगा, दैट ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो अब ये स्टेबल है क्या, नहीं स्टेबल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। मुझे चाहिए कितने, मुझे करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुझे करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास दो रास्ते, ध्यान से सुनो, मेरे पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं इस एल्युमिनियम के 8 रिएक्शन को पूरा करने के लिए। मैं क्या कर सकता हूं कि यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, ठीक है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया, तो अब क्या बचेगा, सिर्फ ये अंदर वाली, ये 2 लेयर बचेगी, सही है, ये 2 मेम्ब्रेन शेल बचेगी, एक में 2 इलेक्ट्रॉन और एक में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब हो गया मेरा कंप्लीट, ठीक है। और दूसरा रास्ता क्या है कि मैं इसमें 5 और ऐड कर दूं, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन और कहीं से क्या कर दूं, इसके अंदर, इस शेल के अंदर डाल दूं। तो पहले से 3 थे और 5 डाल दिए, तो टोटल कितने हो गए, 8, सही है। तो मेरे पास ये 2 तरीके हैं, या तो मैं 3 निकाल दूं, या तो 5 और डाल दूं, या तो 3 निकाल दूं, या तो 5 और डाल दूं। लेकिन इजी क्या है, 3 नंबर ज्यादा छोटा, 3 नंबर ज्यादा इजी होगा काम करना, या 5 नंबर ज्यादा इजी होगा, 3 नंबर ज्यादा इजी होगा, सही है। मतलब देखो जिसका नंबर ज्यादा है उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, जैसे मुझे 5 नंबर इलेक्ट्रॉन डालना है, 5 इलेक्ट्रॉन डालना है, तो मुझे उसके लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, एल्युमिनियम को ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। वहीं अगर मुझे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 ही निकालना है, तो मुझे एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी, सही है। तो एल्युमिनियम क्या प्रेफर करता है, एल्युमिनियम बोलता है कि भाई तू 3 इलेक्ट्रॉन ले जा, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे चलेगा, तू 3 इलेक्ट्रॉन ले जा। तो जब इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते, ठीक है, मिटा दे इसको, तो ये फॉर एग्जांपल इसके ये बाहर वाले 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, बाहर वाले 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब देखो, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब नाउ इट इज अ स्टेबल, अब क्या हो गया, ये स्टेबल, सही है। देखो और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, जो डोनेट करता है उसके पास पॉजिटिव, सही है, और जो एक्सेप्ट करता है उसके पास नेगेटिव। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, पढ़ा है ना आप लोग ने पहले भी, कि रिएक्शन में जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो मैंने एक्सेप्ट ले लिया इलेक्ट्रॉन, सो मैं नेगेटिव हो गया, मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। वही अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, बहुत सारे, तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं क्या हूं, पॉजिटिव हूं, सही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो वो लोग डोनेशन करते हैं, सही है। जो बड़े वाले लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं, तो इसका मतलब वो लोग, सब हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ भाई ये अच्छा आदमी है क्योंकि ये डोनेशन कर रहा है, तो वो पॉजिटिव हो गया। अगर किसी ने कुछ डोनेट किया तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। वही अगर किसी ने कुछ एक्सेप्ट किया तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही कुछ यहां पर भी है। तो यहां पर इसने कितने, एल्युमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, 3 इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम के ऊपर कितना, 3 प्लस चार्ज आ जाता है। तो यहां पे
ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब क्या कि आप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हो, जिसके वजह से आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है, एकदम क्लियरली आप लोग को एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, तो आई होप आप लोग को अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सही है। सो मैंने क्या बोला कि इसने डोनेट किया, सो पॉजिटिव चार्ज आया। क्या डोनेट किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है, इट इज अ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ऐसे ही सारे के सारे मेटल, ठीक है, सारे के सारे मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मतलब वो डोनेट करने में विश्वास रखते हैं, लेने में विश्वास नहीं रखते, ठीक है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। सही बात है, तो ये लाइन समझ में आ गया, दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यहां पर समझ में आ गया, मैंने आप लोग को समझा दिया एकदम इजिली, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले, अब हम लोग थोड़े रिएक्शंस के बारे में देखने कि रिएक्शंस ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल्स के रिएक्शन के बारे में बात करना है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म करेगा, वाटर से रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म करेगा, ऐसे अलग अलग हम लोग क्या देखने हैं उसके रिएक्शंस के बारे में बात करनी है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? तो मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल दैट इज एक मेटल है मेरे पास मैग्नीशियम, ठीक है, मेरे पास एक मेटल है दैट इज मैग्नीशियम। अब जब मैग्नीशियम रिएक्ट होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, यानी O2, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज O2, तो क्या फॉर्म होगा? ठीक है, जरा बताना क्या फॉर्म होगा, आप लोगों को पता ही है हमेशा क्या फॉर्म होगा, दैट इज MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब मुझे इस रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर दो ऑक्सीजन है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितने ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर बैलेंस करने के लिए इसको कट करता हूं मैं थोड़ा सा। अब देखो मुझे इसको बैलेंस करना है, तो यहां पे कितने ऑक्सीजन है? दो ऑक्सीजन है। यहां पे कितने ऑक्सीजन है? एक है, तो मैं यहां पे क्या लगा दूंगा? दो। तो अब यहां पे ऑक्सीजन कितने हो गए? दो। लेकिन अब यहां पे मैग्नीशियम भी कितने हो गए? दो। और यहां पे मैग्नीशियम कितने हैं? एक। तो यहां पे भी मैं क्या लगा दूंगा? टू। अब यहां पे दो मैग्नीशियम हो गए, यहां पे भी दो मैग्नीशियम है, यहां पे दो ऑक्सीजन है, यहां पे भी दो ऑक्सीजन है, क्लियर है। तो ऐसे आपको क्या करना है? रिएक्शन करना है। तो हमेशा याद रखना एक चीज, याद रखना आप लोग को जब अगर ये एग्जाम में आया कि भैया दिखाओ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले ये रिएक्शन लिखना है, ठीक है, रिएक्शन आप लोगों को लिखना है। रिएक्शन लिखने के बाद, ठीक है, रिएक्शन लिखने के बाद आपको एक सेंटेंस लिखना है, समझाना है कि इसके अंदर हुआ क्या। तो आपको क्या बोलना है? दैट व्हेन मेटल, ठीक है, ध्यान से सुनो, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, लिख लो अपने बुक में, लिखो फटाफट, क्या करना है लिख देखो, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब एग्जांपल में आपने ये लिख दिया, ठीक है, अब आपको एग्जांपल देना है व्हेन, तो आपको लिखना है वहां पे मैग्नीशियम, या ये एमजी मतलब क्या? मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पे क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस स्ट्रक्चर इज, इसका नाम क्या है लिख दूं यहां पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर है, समझ में आ गया? समझ में आ गया ये, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी के एग्जांपल आप लोगों को ऐसे ही समझ में आ जाएंगे, एक चीज देख लोगे, एक समझ में आ गया, बाकी सब आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज अ वॉटर, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वॉटर। अब वॉटर के साथ देखते हैं हम लोग, ठीक है, वॉटर के साथ देखते हैं, वॉटर के साथ अगर रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है, अगर सॉरी वॉटर के साथ अगर आपका मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं, दैट इज सोडियम के साथ, दैट इज सोडियम Na, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? वो Na के साथ रिएक्ट हो रहा है, और यहां पे सोडियम है आपका, और यहां पे क्या है? दैट इज वाटर, ठीक है। जब आपका थोड़ा दूर दूर बना दिया मैंने, थोड़ा पास पास बना दो बच्चा, जगह की कमी है यार, जगह नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा पास बनाते, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। सो व्हेन Na मींस व्हाट? Na इज अ सोडियम, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, ये क्या देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी Na OH, ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा? दैट इज NaOH, और साथ में एक गैस रिलीज होती है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं H2, ठीक है, गैस रिलीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? H2, क्लियर है। अब इतना समझ लो, आपको इसके फॉर्म भी लिखने बच्चों, तो ये होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ये होता है सॉलिड फॉर्म में। वाटर आपका कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में, सही बात है, आपका वाटर कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। साथ ही साथ जब ये फॉर्म होगा, ठीक है, NaOH फॉर्म होगा, तो ये फॉर्म हो जाता है दैट इज एक्वस फॉर्म में, और एक्वस मतलब क्या? लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर, इसको मैंने क्या बोला? एक्वस। और यहां पे ये H2 फॉर्म हुआ, दैट इज गैस के फॉर्म में, और यहां पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी निकलती है, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ क्या निकलती है? हीट भी निकलती है। अब इसको क्या करो, ये कर लो, ठीक है, बैलेंस कर लो रिएक्शन को, ठीक है। तो जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो क्या आएगा? देखो यहां पे
यहां पे क्या है, एक हाइड्रोजन यहां पे, ठीक है, सॉरी दो हाइड्रोजन यहां पे है, एक हाइड्रोजन यहां पे, और यहां पे हाइड्रोजन की बात करूं तो कितने हाइड्रोजन है, यहां पे टोटल दो ही हाइड्रोजन है, ठीक है, तो मुझे हाइड्रोजन बढ़ाने पड़ेंगे। अगर मैं एक लिखूंगा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि सेम हो जाएगा, तो यहां पे मैं कितना लिखूंगा, दैट इज दो, ठीक है, दो लिखा, मतलब अब हाइड्रोजन कितने हो गए, टू टू जा फोर, ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, दैट इज एच, यहां पे तीन हाइड्रोजन है, सही है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक टू डाल देता हूं, ठीक है, यहां पे एक टू डाल दूंगा, तो अब क्या हो गया, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन चार, यहां पे भी टू टू जा फोर, मतलब चार हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब लेकिन यहां पे दिक्कत क्या आ गई कि एन ए कितना हो गया, दो, यहां देखो Na कितना हो गया, दो, लेकिन यहां पे Na कितना है, एक ही है, तो मैं इसके सामने भी क्या डाल दूंगा, टू डाल दूंगा। अब यहां पे ये जो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस करना आता है ना आप लोग को, ठीक है, आई होप आप लोग को रिएक्शन बैलेंस करना आता होगा, बचपन में आप लोग ने सीखा होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है, आप लोग ने आई होप सीखा ही होगा। सो दिस वॉज द रिएक्शन की अगर आपका सोडियम, ठीक है, अगर आपका सोडियम वॉटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिख दूं यहां पे छोटा सा जगह, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है, समझ में आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इजीली समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज अ रिएक्शन विद एसिड, ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, रिएक्शन विद एसिड। अब क्या होगा एसिड फॉर्म होने में, देखो आपकी बुक में ना ऑक्सीजन लिखा है, वापस उसको कट करना, ठीक है, तीन के आगे रिएक्शन विद वाटर, ये ऑक्सीजन लिखा होगा, ऑक्सीजन को कट करना और वहां पे एसिड डाल देना, क्योंकि ये टॉपिक किसका है, एसिड का है, सही है। तो एसिड के साथ जब आपका मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, देखो ध्यान से, वापस वही मेटल लेते हैं अपन, मैग्नीशियम लेते हैं, और जब वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्या बोला मैंने, जब आपका मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा बच्चों, यहां पे फॉर्म होता है, दैट इज MgCl2, क्या फॉर्म होता है, MgCl2 प्लस यहां पे H2 फॉर्म होता है, सही है, ये H2 उड़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, गैस है ना, तो ये उड़ जाएगी यहां से, सही है, इसको ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, दैट इज ये उड़ गया। सो दिस वॉज द रिएक्शन, क्या है आपका, जब मैग्नीशियम, ऐसा लिखना है आप लोग को, ठीक है, इसके नीचे आपको लाइन लिखनी है एग्जाम में, क्या लिखना है आपको, व्हेन द मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, या फिर HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी आप लोग लिख लो, सो मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, व्हाट इट फॉर्म, इट फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, लिख दो यहां पे स्पेलिंग, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, इट फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लो, ठीक है, बैलेंस करने में क्या होगा बताओ, कैसे बैलेंस करेंगे, यहां पे दो क्लोरीन है, सही है, और यहां पे सिर्फ एक क्लोरीन है, तो इसके आगे आपको दो लगाना पड़ेगा, आ जाओ, ठीक है, इसके आगे मुझे दो लगाना पड़ेगा, तो अब भैया कितने हो गए, दो क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन दो हो गए, क्लोरीन दो हो गए, सही है, यहां पे दो हाइड्रोजन थे, यहां पे दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, MgMg, ठीक है, बैलेंस हो गया इक्वेशन, और कोई दिक्कत, ठीक है, यहां पे और कोई दिक्कत, बैलेंस हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया, कैसे बैलेंस किया, देखो कैसे बैलेंस किया, एकदम सिंपल है, यहां पे क्या थे, दो क्लोरीन, यहां पे सिर्फ एक ही क्लोरीन है, तो इसके आगे दो लगा दो, कभी भी आप यहां पे दो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये मेटल की एलिमेंट की बात हो जाएगी, तो आप उसके सामने लगा दो, सामने लगा रहे हो मतलब क्या, आप अमाउंट बढ़ा रहे हो, सो यहां पे दो क्लोरीन आ गए, ठीक है, दो क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन, सही है, अब हाइड्रोजन भी दो हो गया, तो यहां पे हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, H2 निकल गया, और यहां पे दो हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया, नाउ हियर इज अ मैग्नीशियम, ठीक है, यहां पे क्या है, मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम है और यहां पे भी एक मैग्नीशियम है, सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, क्लियर है, समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, एकदम सिंप्लीफाई करके आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, चलो नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, व्हाट इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज HNO3, ठीक है, व्हाट इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज अ HNO3 इज अ नाइट्रिक एसिड, तो जब अब नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, अब हम लोग को नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, देखो हम लोग लेते हैं कॉपर, आपके बुक में देखो, आपके बुक में जो जो रिएक्शन दिए हुए हैं, हम मेनली वही सारे रिएक्शन को लिख रहे हैं, वही सारे रिएक्शन को करवा रहे हैं, ताकि आपको यहां पर ही याद हो जाए, क्लियर है, ठीक है, तो लेते आ जाओ कॉपर लेते, ठीक है, कॉपर अब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, HNO3 के साथ, ठीक है, किससे रिएक्ट करेगा ये, HNO3 के साथ, क्या फॉर्म होगा, ठीक है, क्या फॉर्म होगा, क्यूपरस नाइट्रेट फॉर्म होगा, सही बात है, क्यूपरस नाइट्रेट फॉर्म होगा, सिंपल सी बात है ना, दैट इज यू, ठीक है, मैं देखो मैं पीछे इसलिए हट रहा हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको, हर एक चीज को नोट डाउन कर सको, ताकि आप लोग को इजिली हर एक चीज समझ में आए, ठीक है, सो सी यू एनओ थ्री ट्वाइस प्लस एनओ टू, सही है, यहां पे दो चीज फॉर्म हुई, That is CuNO2 twice plus NO2, और साथ में एक आपका यहां से क्या निकलेगा, वॉटर, ठीक है, एक आपका क्या निकलेगा, वॉटर, क्लियर है, समझ में आ गया,
समझ में आ गया, इसलिए इस रिएक्शन को आप लोग खुद बैलेंस करोगे अब भी ठीक है। तुरंत मैंने सारे रिएक्शन आप लोगों को बैलेंस करके दिखाया, ऐसे ही आपको इसको भी बैलेंस करना है, कुछ नहीं एकदम इजी है, ठीक है। बैलेंस कर लो, यहां पे कितने वहां पे कितने सब एक देखना है आप लोग को, क्लियर है, समझ में आ जाएगा, कर लोगे बैलेंस, ठीक है, समझ में आ जाएगा, क्लियर है। चलो तो दीज आर द चार रिएक्शन, ये आपके चार रिएक्शन थे जो आपको पढ़ने थे आपके मेटल्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करें, सो व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। बच्चों देखो रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है, कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो देखो हर एलिमेंट का पोटेंशियल अलग होगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने में। जैसे बात करूं मैं कि आपका जो एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम है वो ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा इन एज कंपेयर टू आयोडीन, ठीक है, मतलब मेटल ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल, सही है। तो वैसे ही मेटल्स के अंदर भी, ठीक है, मेटल्स के अंदर भी रिएक्टिविटी होती है, कि कुछ एक ऐसे मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं नेचर में, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो स्लो होते हैं, जो कम रिएक्ट करते हैं, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हम लोग क्या करेंगे, आपके बुक में तो दिया नहीं हुआ है, बट यहां पे एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, यहां पे एक नंबर आपके मेटल्स दिए रहेंगे और उन मेटल्स की एक सीरीज लगी होगी, ठीक है, मेटल्स की क्या होगी, एक सीरीज होगी जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि हाँ ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करके एक सीरीज दी हुई है, सही है। आपकी बुक में इंक्लूड नहीं है, बट हाँ एक टॉपिक इंक्लूड है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है और कौन कौन से मेटल की कैसी कैसी रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहता है ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट पढ़ो। इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बच्चों, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ रिएक्टिविटी, ठीक है, हम लोग क्या बोले, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल, ठीक है, किसका अरेंजमेंट है, ये मेटल का अरेंजमेंट है, इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, चाहे आप इंक्रीजिंग में लिखो चाहे आप डिक्रीजिंग में लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, किसकी रिएक्टिविटी, मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, उसके ऊपर अगर आप लोगों ने मेटल को अरेंज किया है, मेटल्स को अरेंज किया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, समझ में आ रही बात। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूं, सबसे पहले होता है पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद आता है पोटेशियम को कैसे दिखाते हैं, सॉरी, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, और क्या हो गया, दैट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सही है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऐसे बहुत लंबी सी सीरीज है। अगर आप लोगों को देखो, मैं पूरी सीरीज देने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपके बुक में भी इंक्लूड नहीं हुई है, सही है, आपके बुक में भी नहीं दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, बस मैं आपको यह बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। सो एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव कैल्शियम है, कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है, ठीक है, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। सो इट इज अ रिएक्टिव सीरीज। अगर आपको और भी सीरीज के नाम देखने हैं तो क्या करना है, आपको जाके गूगल पे सर्च करना है, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यही सर्च करना है आपको, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, फिर आपको इमेजेस में जाना है, इमेजेस में आप लोग को दिख जाएंगे पूरे ऐसे मेटल की लिस्ट लिखे हुए रहेंगे, उन मेटल्स को आप लोग रीड कर सकते हो, सही है। सो दीज आर द रिएक्टिविटी सीरीज, समझ में आ गया रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, क्लियरली। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, जब आपके मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, बहुत फेमस एग्जांपल है, सबको आता है ये, जब आपका सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन से, व्हाट यू विल गेट, यू गेट सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यू गेट सोडियम क्लोराइड, सही है, सिंपल है। आ जाओ देखते हैं बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है आपका सोडियम, ठीक है, Na, सही है आपका Na, अब ये किससे रिएक्ट करेगा Cl2 से, ठीक है, हमेशा क्लोरीन, जितने भी हैलोजन होते हैं ना वो डायटोमिक के फॉर्म में होते हैं, डायटोमिक मतलब क्या, दो एटम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं हमेशा वो, सही है। सो Na प्लस Cl, ठीक है, तो इस Cl को मैं कुछ ऐसे लिखना, चलो कोई बात नहीं ऐसे लिखते इसको, चलो ऐसे लिखते, तो दिस इज द सीएल, जब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब ये इसे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो यहां पे फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl, ठीक है, क्या फॉर्म होगा यहां पे, सोडियम क्लोराइड, एंड इट इज अ कॉमन सॉल्ट, आपके घर पे जो नमक है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट है, दैट इज नथिंग बट NaCl, सबको पता है, आपको भी पता है। सो कैसे बनाइए, Na प्लस Cl गिव्स NaCl, अब देखो इसको बैलेंस करना पड़ेगा बच्चों, तो यहां पे कितने Cl है, दो Cl है, यहां पे कितने Cl है, एक ही Cl है, तो मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, 2, सही है, अब 2 लग गया तो मतलब Na भी 2 हो गया, सो मुझे Na को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2, अब देखो यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे भी दो सोडियम है, यहाँ पे भी दो सोडियम है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे भी दो क्लोरीन है, सही है। सो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुका है, क्लियर है, समझ में आ गया।
समझ में आ गया रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब जैसे हम लोग ने मेटल्स के बारे में पढ़ा, मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा, वाटर के साथ रिएक्शन देखा, एसिड के साथ रिएक्शन देखा, तो ये सारी चीजें अब हम लोग नॉन मेटल के साथ भी देखनी है बच्चों कि नॉन मेटल कैसे किससे रिएक्ट करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि हम लोग को मेटलर्जी पढ़नी है। अब मेटलर्जी क्या है मैं आप लोग को सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा, बस अभी इतना ध्यान दो, ठीक है, अभी इतना ध्यान दो, आप लोग को सब कुछ समझ में आने वाला है। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां तक आई होप आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला क्या है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की बात कर रहे हैं हम लोग, रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं लेता हूं सिंपल, एकदम सिंपल एग्जांपल, दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, व्हाट इट गिव, इट गिव CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, ये आप लोग को आता ही है। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं क्योंकि यहां पे एक एग्जांपल और समझा लेंगे आप लोग। दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आ गया। तो यहां पे देखो रिएक्शन पहले से बैलेंस है, दो कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन एक कार्बन, एक कार्बन, रिएक्शन इज बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग एक और ऑक्सीजन, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, ये तो कंबशन का है, अगर आप अच्छे से कंबशन करोगे मतलब आग जलाओगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। लेकिन अगर आप पार्शियली कंबस्ट करोगे, पार्शियली मतलब क्या कि ऐसा, ऐसी आग, ठीक है, ऐसा फायर जिसके अंदर ज्यादा उसको ऑक्सीजन ना मिल रहा हो, ठीक है, ऑक्सीजन ना मिल रहा हो, पार्शियली कंबशन, तो यहां पे एक पॉइजनस गैस बनती है बच्चों। देखो CO2 इतनी पॉइजनस नहीं है, पॉइजनस है CO2, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो पॉइजनस है। ठीक है, लेकिन CO2 एक, अगर अच्छे से इसको ऑक्सीजन ना मिला तो यहां पे एक बहुत ही पॉइजनस गैस बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हाट इज इट, इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, अपने घर के अंदर, जैसे उन लोग को घर में, उनके घर में मच्छर वच्छर ज्यादा हो गए, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक बड़ा सा कुछ ऐसा आग सा रहेगा उसको जला देंगे जिसकी वजह से धुआं बहुत हो जाएगा, और वो क्या करेंगे उतने टाइम के लिए घर को बंद कर देंगे जिसकी वजह से सारे मच्छर मर जाए, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर आप बंद करके, कमरा बंद करके कोई भी आग को जलाते हो, ठीक है, तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पे पार्शियल कंबशन होगा, और अगर पार्शियल कंबशन होगा इसका मतलब वहां पे कौन सी गैस बन सकती है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड किसी ने इनहेल कर लिया तो वो बच्चा, बच्चा बोल सकता है या फिर कोई भी वो इंसान मर भी सकता है, बिकॉज इट इज अ पॉइजनस गैस। क्लियर है, समझ में आ गया, समझा इतना, यहां तक आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज अ रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है, नॉन मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन हो क्या फॉर्म होगा, देखो सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं, चलो इसको थोड़ा ना, इस H2O को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, कैसे अच्छे से बता रहा हूं, जैसे HOH, इट इज अ वाटर, दैट इज H2O, H2O, सही है, होगा क्या, ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, तो इसमें दो क्लोरीन होते, सही है, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से लिख देते, सो यहां पे दो क्लोरीन होते, एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां पे, दैट इज अ Cl2, तो एक क्लोरीन क्या करेगा, इस OH को लेके भाग जाएगा, ठीक है, ये एक क्लोरीन क्या करेगा, इस OH को लेके भाग जाएगा और यहां पे कंपाउंड बनेगा, दैट इज HOCl, ठीक है, HOCl, दैट इज क्लोरीन हाइड्रोक्साइड, और यहां पे एक दूसरा क्या बचा, H बचा और Cl बचा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे और यहां पे क्या बन जाएगा, दैट इज HCl, सो इट इज क्लोरीन हाइड्रोक्साइड और आपका HCl। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे, इसके अंदर, इसके नीचे आपको लाइन भी लिखनी है बच्चों, लाइन क्या लिखोगे आप, यहां पे आप लिखोगे कि व्हेन क्लोरीन, ठीक है, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर इट गिव क्लोरीन हाइड्रोक्साइड एंड HCl एज अ बाय प्रोडक्ट और HCl एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट। क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है, समझा आप लोग को। नाउ विथ एसिड, अगर मैं एसिड की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एसिड की बात करूं, तो जैसे Cl2 बात कर रहा हूं, ठीक है, Cl2 विथ यहां पे एक एसिड ले लो, जैसे HBr, HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, लिख दे कहीं पे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। देखो मैं लिख के क्यों दे रहा हूं पता है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में ऐसे नाम लिखोगे इसके नीचे तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है, एग्जामिनर मतलब जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो बहुत ही इंप्रेस हो जाता है कि यार बच्चों को आता है, ठीक है, तो आप इसके नीचे हाइड्रोजन, अब देखो मैं सबका लिख के नहीं दे रहा हूं, जैसे मैंने इसका लिख के दिया तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, इसलिए मैंने लिख के दिया Cl2, सबको पता है क्लोरीन है, तो आप खुद से लिख लोगे क्लोरीन है, सही है, सो हमेशा ये लिखने का ट्राई करो, हमेशा ये आदत बनाओ कि जब भी आप
रिएक्शन लिख रहे हो, ठीक है, हमेशा याद रख लो, क्योंकि मैंने भी केमिस्ट्री इतनी पढ़ी है तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस हो गया है कि कभी भी जब आप रिएक्शन लिखो तो उस रिएक्शन के नीचे उस कंपाउंड का नाम जरूर लिखो, ठीक है, उस कंपाउंड का नाम जरूर से लिखो। सो यहां पे इसका नाम लिखा, यहां पे आपको लिख लोगे क्लोरीन, ठीक है, ये आप लोगों को आता इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, ये आप लोगों को नहीं आता शायद, ये बड़ा नाम है इसलिए आप शायद कंफ्यूज जाओगे। सो यहां पर यह फॉर्म हो जाएगा, आप देखो यहां पर होती है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर फॉर्म होगा HCl प्लस Br2, ठीक है, Br2 निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन मतलब आप लोगों को पता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, एक चीज निकालो दूसरी चीज डालो, एक चीज निकालो दूसरी चीज डालो, सही बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई दोस्त था, ठीक है, तो मैं अपने दोस्त का ऐसे जा रहा हूं, अब यहां से कोई दूसरा दोस्त आया तो मैंने इसको भगा दिया और उस दोस्त को ऐसे लेके घूमने लगा, तो मैंने इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, मतलब इसकी जगह मैंने इसको डाल दिया, वही इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है। तो यहां पे Cl था, यहां पे HBr था, तो मैंने Cl को यहां डाल दिया, ठीक है, यहां पे HCl फॉर्म हो गया और यहां पे क्या फॉर्म हो गया दैट इज Br2। अब इस रिएक्शन को आप लोग बैलेंस कर लेना, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है, HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी लिख सकते हो, जैसे इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिखा है ना, इसको हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ब्रोमो या फिर हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। देखो ये कॉमन नाम है, ये कॉमन नाम है, ये इसका बोल सकते हैं हम लोग थोड़ा सा केमिकल नाम हो सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर साइंटिफिक नाम हो सकता है, सही बात है। दिस इज द ब्रोमीन, दिस इज द क्लोरीन, समझ में आ गया, इतना क्लियर है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो जैसे यहां पे दिखाता हूं मैं सल्फर, ठीक है, सल्फर है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा, क्या फॉर्म होगा दैट इज SH2, ठीक है, क्या फॉर्म हो जाएगा दैट इज SH2, ज्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं है यहां पर, ठीक है, समझ में आ रही बात। वैसे एक और रिएक्शन है दैट इज अगर आपका नाइट्रोजन है वो रिएक्ट होगा किसके साथ, वाटर के साथ, सॉरी वाटर बोल रहा हूं, हाइड्रोजन के साथ, तब यहां पे क्या बना देगा, यहां पे ये बना देगा दैट इज अमोनिया, यानी NH3 फॉर्म हो जाएगा, NH3 मतलब क्या, अमोनिया, लिख दो यहां पे अमोनिया, ठीक है। अमोनिया की स्मेल बड़ी गंदी होती है, कभी आप लोग पब्लिक वॉशरूम में जाना, ठीक है, कभी अगर आप लोग गए रहोगे पब्लिक वॉशरूम में तो बहुत स्मेल आती है पब्लिक वॉशरूम में, ठीक है, यूरिन की स्मेल होती है, यूरिन के अंदर क्या होता है, अमोनिया होता है, तो वो अमोनिया की स्मेल होती है बच्चों, ठीक है, वो स्मेल किसकी होती है, अमोनिया, दैट इज NH3, इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। क्या है यहाँ पे, तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लो आप, एक काम करो यहाँ पे 2 लगाओ, ठीक है, पहले देखो बैलेंस करके 2 लगाओ, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे अभी भी 3 है, सही है, तो ये बैलेंस यहाँ पे नहीं हो सकता, 2 बैलेंस नहीं हो सकता, अब 3 लगाओ, 3 2 6, ठीक है, और यहां पे 2 लगा दो, तो यहां पे भी 3 2 6 हो गया, यहां पे 2 नाइट्रोजन हो गए, तो यहां पे भी 2 नाइट्रोजन लगा दो, सही है, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे बैलेंस करना है। सो दिस इज द अमोनिया, दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज द नाइट्रोजन, आप लोग लिख लेना नाइट्रोजन हाइड्रोजन खुद से, मैंने आप लोग को अमोनिया की स्पेलिंग और उसके साथ आप लोग को रिएक्शन समझा दिया है, क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया आप सबको, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, दैट इज आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है, देखो बड़ी मजेदार चीज, आयोनिक कंपाउंड मतलब क्या, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, सही है, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, लेक्चर की स्टार्टिंग मैंने आप लोग को बताया था, सही है, इतनी बातें क्लियर है। अब ठीक है, ध्यान सुनो, अब अगर जो पॉजिटिव है, ठीक है, जो पॉजिटिव है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, सही है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं दीज आर द इलेक्ट्रो नेगेटिव। यहां पर दो चीजें समझो, एक है आपका दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक है आपका इलेक्ट्रो निगेटिव, सही बात है। देखो हमेशा आप लोग ने बचपन से पढ़ा है कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में कभी अट्रैक्शन होती है क्या, नहीं होती। जैसे मैग्नेट होता है तो हमेशा नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक साथ अट्रैक्ट होते क्या, नहीं होते, हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल एक साथ अट्रैक्ट होते, मतलब हमेशा जो अपोजिट चीजें होती है, ठीक है, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर एंड जो सेम चीजें होती है दे रिपेल ईच अदर, सही बात है। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे, बचपन से लाइन पढ़ते आ रहे, तो यहां पे भी ये होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब क्या, ऐसा एलिमेंट, देखो ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना बायो पढ़ाने की आदत हो गई है, बायो बहुत पढ़ाता तो ऑर्गेनिज्म निकल रहा है, फिर जब मैं प्रॉपर्टीज लिखने जा रहा था ना, जब प्रॉपर्टीज लिख रहा था, जब मैं इस चीज को प्रिपेयर कर रहा था तो मैं प्रॉपर्टीज की जगह प्रोटीन लिख दे रहा था बार बार यार,
तो थोड़ी सी आदत हो गई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा चेंज होने में, ठीक है, कोई बात नहीं। सो इट इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एंड ये क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रो नेगेटिव, मतलब इसके पास नेगेटिव है, सही बात है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे और मैं किसी को डोनेशन दूंगा, मतलब मैं अच्छा आदमी हूं, सो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही अगर कोई एलिमेंट किसी चीज को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो वो पॉजिटिव। वैसे ही दूसरा कोई एलिमेंट जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब मैंने आप लोगों को इसके बारे में तो बहुत अच्छे समझाया था कि कैसे ये डोनेट कर रहा है, इसके लिए डोनेट करना आसान होता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा नहीं समझाया ना, तो आओ सीखते हैं। देखो हर एक चीज ना, मैं ये चाहता हूं ना कि आपके दिमाग में हर एक चीज क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि यार ये पॉजिटिव है तो क्यों है, ये नेगेटिव है तो क्यों है। सबका थोड़ा सवाल करना सीखो, ठीक है, और उस सवालों के आंसर ढूंढोगे ना तो आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे, सही है। तो यहां देखो ये नेगेटिव क्यों है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स में होते हैं, ठीक है, हाँ इनऑर्गेनिक है तो एक्सेप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन मिलते रहते हैं, तो इसका एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल की, जो कि नॉन मेटल्स में क्या होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, दैट इज क्लोरीन की, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 17, आई नो सबको पता है, आप लोगों को पता होगा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अब 17 की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2, 8, 7 ऐसे होता है ना, सबसे पहले वाले शेल में 2 रखो, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 7 जो बचा हुआ। तो अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि सबको स्टेबल होने के लिए, ठीक है, सबको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करना, ऑक्टेट कंप्लीट करना, ऑक्टेट समझते हो ना, मतलब उसको अपने लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन करना ही करना है, सही बात है। इसको भी करना पड़ेगा, ये भी बच्चा बोल, ये भी अपना दुखी आ रहा है, ठीक है, इसको भी बोलना है कि भाई ये भी चाहता है कि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूं, ऑक्टेट कंप्लीट करूं, तो ये क्या करेगा, ध्यान से सुनो क्या करेगा, इसके पास बीच में प्रोटॉन, ठीक है, यहां पे एक शेल, यहां पे दूसरा शेल, यहां पे तीसरा शेल, सही है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। पहले शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि ये 2 है, सही है। दूसरे शेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरे में कितने, 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्लियर है, समझ में आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 रास्ते हैं, या तो आप ले लो या तो आप दे दो, ठीक है, ले लो या फिर दे दो, ये 2 रास्ते हैं। तो देखो इसके पास पहले से कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पहले से कितने हैं इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से तो ये 8 कंप्लीट कर सकता है, सही है, 8 कंप्लीट कर सकता है। या फिर इसके पास दूसरा तरीका क्या है कि ये अपने 7 को डोनेट कर दे, ये 7 को अगर डोनेट कर देगा तो बचा कितना, 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आसान क्या है बच्चों, आसान क्या है, आसान एक लेना आसान है कि 7 देना आसान है, किसमें एनर्जी कम लगेगी, कम किसमें लगेगी, एक लेने में, सही है, एक इलेक्ट्रॉन को लेने में एनर्जी कम लगेगी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेने में क्या लगेगी, एनर्जी कम लगेगी। इसीलिए क्या प्रेफर करता है भैया कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो मैं खुश रहूंगा, ये 7 देने की जगह 1 लेने में विश्वास रखता है, सही है, ये 7 देने की जगह 1 लेने में विश्वास करता है, सही है। अब जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे मैं क्या कहता हूं, नेगेटिव, ठीक है, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे मैं क्या कहता हूं, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव, क्लियर है, समझ में आ गया, इट इज अ इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव, समझ में आ गया, ये क्लियर है, मिटा दो इसको, ठीक है, इलेक्ट्रो नेगेटिव समझ में आ गया, ओके बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये आपका माइनस चार्ज। अब देखो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, हमारा टॉपिक है कि भैया आयनिक कंपाउंड क्या होता है, ध्यान से सुनो, एक आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव ले लिया मैंने, इलेक्ट्रो पॉजिटिव दैट इज आपका सोडियम ले लिया, ठीक है, सोडियम इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उसके सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो 2, 8, 1, तो ठीक है, तो लास्ट वाले ऑर्बिटल में कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, सही है, तो मतलब उसका, उसको एक देना आसान है, सही है, वो लेगा नहीं ना, तो एक दे देगा, सो इट इज अ 1। ये किससे बॉन्ड बनाएगा, दैट इज क्लोरीन से, क्लोरीन क्या हो जाएगा, माइनस, सही, क्लोरीन क्या है, माइनस। तो जब ये दोनों क्या करेंगे, एक साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, एक साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो इसके नेगेटिव को ये क्या कर देगा, ये दोनों जब इसका नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा तो ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, सही है, ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, सही बात है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, जब ये दोनों रिएक्ट होंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक न्यूट्रल कंपाउंड बनेंगे जिसका नाम है NaCl, और NaCl इतना न्यूट्रल है कि आप क्या कर सकते हो, इसे खा सकते हो, खाते ही हो ना, रोज खाते रहोगे, क्योंकि आप नमक रोज खाती हो, तो नमक में क्या रहता है, NaCl। देखो सोडियम एक ऐसा कंपाउंड है, ध्यान से सुनो एक बात, कि सोडियम एक पॉइजनस मेटल है, ठीक है, पॉइजनस मेटल क्या है कि अगर इसको आप गलती से टच भी कर लेते हो, ठीक है, या फिर अगर आप इसके ऊपर पानी डाल देते हो ना, सोडियम अगर पानी से रिएक्ट हो गया ना, तो इसे फट जाता है बम की तरह,
सही बात है, इसको बम की तरह। तो अगर आप इसको खा लोगे ना तो आपका शरीर तो फट जाएगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। और आपकी जो क्लोरीन, क्लोरीन इज अ गैस जो कि एक पॉइजनस गैस है, क्लोरीन इज अ पॉइजनस गैस। तो जब ये गंदी गंदी दो चीजें मिलती है तो साथ में क्या बनते हैं, NaCl, और NaCl इज अ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, जो आप लोग क्या करते हो, रोज खाते हो, सही है। तो देखो, दो खराब खराब चीज मिलती है और एक अच्छी चीज बनती है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये है ब्यूटी केमिस्ट्री की, समझ में आ रही बात। दो अलग अलग चीजें बनी और एक ऐसी चीज बन गई जो क्या है, नॉर्मल है, सही है। सो इट इज अ न्यूट्रल, ये कैसा कंपाउंड है, न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि इसके नेगेटिव चार्ज को इसने पॉजिटिव, ये अपना न्यूट्रलाइज कर दिया, सही है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, एने बोला भैया देख मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तेरे को एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है, ये लेगी इलेक्ट्रॉन, हम दोनों एक साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, एंड दे आर हैप्पी, दे आर खुश, दे आर खुशी खुशी वो लोग रहने लगे, सही बात है। सो देखो, अब इसमें आयोनिक कंपाउंड क्या हुआ, ध्यान से सुनो, इसमें आयोनिक कंपाउंड जैसा क्या हुआ, एक है आपका एन ए, वो किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, सीएल के साथ, ठीक है। वो किसके साथ बॉन्ड बनाया है, सीएल के साथ, और दे आर हैप्पी। लेकिन इस हैप्पीनेस में, ठीक है, इस हैप्पीनेस में ये जो सीएल है ना, ये थोड़ा सा ना खुरापात है, ठीक है। ये खुरापाती करते हैं, ये क्या करता है पता है क्या, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। देखो होता क्या है, बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सबको पता है, बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, सही है। दो यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, सो इसने भी क्या किया, शेयर कर लिया, इसने भी क्या किया, शेयर कर लिया इस इलेक्ट्रॉन को, सही है। लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ना क्लोरीन क्या करता है, अपनी तरफ खींचने का ट्राई करता है। क्यों खींच रहा है भैया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सिंपल सी बात है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो क्लोरीन क्या करता है, यार मैं इस इलेक्ट्रॉन को ना खींच लूं अपने पास, तो वो उसको खींचने का ट्राई करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ध्यान सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा यहां शिफ्ट हो जाएगा, सही है, थोड़ा सा कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, सीएल की तरफ, मतलब इस सीएल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, सही है। इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, मतलब क्या आ गया इसके ऊपर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये भैया इलेक्ट्रॉन जाने दे रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल मतलब क्या, कि भैया ये कॉन्स्टेंट चार्ज नहीं है, ये कम होते ज्यादा होते रहते, सही है, ये कम ज्यादा होते रहते। सो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसीलिए, ठीक है, ध्यान से सुनो, इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे आयन्स फॉर्म होंगे ना, कटायन अनायन, सही है, कटायन अनायन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, कटायन मतलब क्या पॉजिटिव चार्ज, अनायन मतलब क्या नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे कटायन फॉर्म हो गया और अनायन फॉर्म हो गया, इससे ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज आयोनिक कंपाउंड, क्लियर है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी, समझ में आया बात, ठीक है, एकदम क्लियर है। सो दिस इज द आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं बच्चों, ठीक है, बस एक सेकंड, गला सूख जाता है। सो आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड समझ में आएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, आयोनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, क्या बोल रहा है आयोनिक कंपाउंड, देखो ध्यान से सुनो। The attraction force between the positive and negative charge ion are strong. सही बात है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रांग होगी, उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रांग होगी, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये लोग क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और सॉलिड स्टेट में मिलते हैं आप लोग को। किस स्टेट में मिलते हैं, नेचुरली सॉलिड स्टेट में। जैसे आप लोग घर पे हमारे ये होता है ना कॉमन सॉल्ट, तो वो किस स्टेट में, लिक्विड में है क्या, नहीं, सॉलिड में। क्यों? बिकॉज इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत हार्ड है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सही बात है, समझ में आ रही बात। सो ये आप लोगों को समझ में आ गया पहला लाइन। दूसरा लाइन क्या है, दे कैन ब्रिटल और ब्रोकन इंटू स्मॉल पीसेस, ठीक है, वो हम इनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं, जैसे नमक के देखो तो बड़े बड़े गुट्ठे होते हैं, उसको हम लोग तोड़ सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में। सो यस, दे वी कैन ब्रेक देम इंटू स्मॉल पीसेस। तीसरी पॉइंट क्या है, दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये लिख लो यहां पे, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज दिस, क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं पता कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं बताता हूं, मैं खड़ा हूं ना, मैं बताऊं, सुनो, एनए प्लस, सॉरी एनए सीएल, ठीक है, NaCl, यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है, समझ में आया बात। अब सिर्फ एक नमक की बात कर रहा हूं, एक नमक की, फॉर एग्जांपल एक नमक की बोरी है, बड़ी सी बोरी है 50 किलो की, मुझे बेचने जाना है, मुझे नहीं बेचना, मेरी मर्जी। सुनो यहां पे क्या कर रहा, क्या कह रहा हूं मैं। सो इस पूरे के पूरे बोरी में सिर्फ एक NaCl तो होगा नहीं, 50 NaCl होंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे भी एक NaCl है,
ठीक है, यहाँ पे भी एक NaCl है, यहाँ पे भी एक NaCl है, ठीक है, यहाँ पे भी एक NaCl है, सही है। तो बहुत सारे NaCl यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो अब देखो सबके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव, पार्शियल की बात हो रही है, डायरेक्ट नहीं लगा देना, ठीक है, डायरेक्ट मैं लगा रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत चीजें यहां पर लिख दी, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो जब इसके ऊपर ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इसका जो बाजू वाला ये है नाइट्रो अपना सोडियम है, इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में भी अट्रैक्शन देखने मिलेगी बच्चों हम लोग को, सही है। हालांकि इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, बट इनके बीच में भी हम लोग को अट्रैक्शन देखने मिलेगी। साथ ही साथ ऐसा भी, यहाँ पे क्या है पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इसके बीच में भी हम लोग को अट्रैक्शन देखने मिलेगी। तो इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, सही है, इनके बीच का अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल के बीच में एक मॉलिक्यूल, ठीक है, कैसे समझाऊं आप लोग को, हाँ फॉर एग्जाम्पल, हाँ फॉर एग्जाम्पल दिस इज, ये मेरा फोन है, सो इट इज वन मॉलिक्यूल, इट इज वन मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में ये दो मॉलिक्यूल है, इन दोनों के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स है, जो अट्रैक्शन की, फॉर एग्जाम्पल एकदम एकदम अट्रैक्टेड है, सही है। सो अट्रैक्शन की फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो अगर आपको मेल्ट करना है किसी को भी, या फिर बॉइल करना है, मेल्ट करना है मतलब क्या, उसको पिघलाना पड़ेगा, तो किसी भी चीज को पिघलाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है। अगर आप किसी भी चीज को हाई टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, उसको एनर्जी दे रहे हो, तभी तो वो क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होगा। तो ये इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि ये जल्दी टूटते नहीं, तो इनको बहुत ही हाई एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। इनको ज्यादा एनर्जी दोगे तभी इनका जो बॉन्ड है वो क्या होता है, ब्रेक होता है, तभी इनका बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है कि देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। सही बात है, समझ में आया, दे आर वाटर सोल्यूबल। एक और चीज है, दे आर वाटर सोल्यूबल क्यों होते, पता है का रीजन, बताओ कहां बताओ, यहां लिखू, अच्छा इसको मिटा दू, ठीक है, इसको मिटा दू, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग ने, ले लिया, वीडियो पॉज करो, ले लो, ले लिया, चलो वेरी गुड, चलो इसको मिटा दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, दैट इज वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल मतलब क्या, देखो एक NaCl का मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, सही है। वाटर का मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल OH, सही है, ठीक है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर में मतलब क्या है कि इस NaCl को मैंने वाटर में डाल दिया। अब ये सॉल्युबल क्यों है, क्यों ये इसके अंदर घुल मिल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, सुनो ध्यान से मैं बताता हूं आप लोग को। देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, 6 मतलब 2 4 6 नहीं होता यार, 8 होता है, सॉरी। ऑक्सीजन क्या होता है, 8, ठीक है, तो मतलब 2 6, सही है, 2 और 6, मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये लेने में विश्वास करता है बच्चों, ठीक है, ये 6 देने से अच्छा 2 ले लेगा, सही है। सो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो वाटर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये भी क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वैसे यहां पे भी ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सही है। तो अब देखो जब आप NaCl को डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर, तो देखो यहां पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इनके अंदर भी हम लोग को अट्रैक्शन देखने मिलती है, ठीक है। इस Na और इस O के बीच में भी हम लोग को अट्रैक्शन देखने मिलती है। वैसे ही इस पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इस Cl और H पे भी, इस Cl और H के बीच में भी हम लोग को अट्रैक्शन देखने मिलती है, जिसके वजह से ये सब एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, और ये पूरी तरीके से वाटर के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है, मिल जाता है, दैट्स व्हाई इट इज अ वाटर सॉल्युबल। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो आओ आज यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से हमारा लेसन एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है, दैट इज मेटलर्जी, ठीक है। यहां से हमारा एक्चुअल में जो लेसन है वो स्टार्ट हो रहा है। मेटलर्जी का मतलब क्या, देखो मेटलर्जी का इतना सा मतलब है कि अगर एक, अभी देखो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो मेटल्स है, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को इतना सब समझाया, तो इसमें आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो मेटल्स है वो बहुत ही रिएक्टिव है। मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्ट करते हैं एक दूसरे, इधर किसी से भी, किधर से भी रिएक्ट कर सकते हैं, सही है। सो मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, सही है। इसका मतलब इस दुनिया में जो मेटल पड़ा हुआ होगा, ठीक है, किसी भी कोने में, फॉर एग्जाम्पल किसी अमेरिका के किसी जंगल में कोई मेटल पड़ा हुआ है, तो क्या वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, चाहे उसके ऊपर कोई वाटर लग रहा हो, चाहे एयर लग रहा हो, वो रिएक्ट कर सकता है, सही है। आसपास अगर कोई वाटर प्रेजेंट हो उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। अभी हम लोग ने यही पढ़ा ना, ध्यान से देखो, जो हम लोग ने पढ़ा वही सब हम लोग को करना है,
क्या बोला मैंने, अट्रैक्शन ऑफ मेटल में मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, मतलब आपका जो मेटल है, ठीक है, आपका जो मेटल है वो रिएक्शन बहुत ज्यादा कर सकता है, ठीक है, आपका जो मेटल है वो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा कर सकता है। इसीलिए जो मेटल्स होते हैं ना वो कभी भी प्योर फॉर्म में हमको नेचर में नहीं मिलते, ठीक है, हमको नेचर में कभी भी जो मेटल्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, हमेशा वो इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, इम्प्योर फॉर्म में मिलते। सो व्हाट आर दिस कॉल्ड, ध्यान से सुनो, एक आपका मेटल है, तो मेटल कभी भी प्योर फॉर्म में होगा क्या? नहीं, मेटल हमेशा इंप्यूरिटीज के साथ होगा। किसके साथ होगा? वो इंप्यूरिटीज के साथ होगा। इन दोनों चीजों को मिला के हम लोग कहते हैं ओर। क्या बोलते हैं इसको? ओर। ओर का मतलब क्या है? आपका मेटल और साथ साथ इंप्योरिटी, मेटल और साथ साथ इंप्योरिटी, क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओर। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गया। सो क्या बोल रहा है? अगर हमको, अगर मुझे, ठीक है, अगर मुझे एक मेटल निकालना है, ठीक है, अगर मुझे एक मेटल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ओर में से, ठीक है, इस ओर में से इंप्यूरिटी को अलग करना पड़ेगा, तभी मुझे मेरा प्योर मेटल मिलेगा, सही है? अगर मैं इस ओर में से, ठीक है, इस ओर में से इंप्यूरिटी को अलग करूंगा तभी मुझे क्या मिलेगा? मेटल मिलेगा। तो इंप्यूरिटी को अलग करने की प्रोसेस को ही हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। मेटलर्जी मतलब क्या? कि वी हैव टू रिमूव द इंप्यूरिटीज फ्रॉम द ओर एंड वी गेट अ प्योर मेटल, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज मेटलर्जी। समझ में आ गया मेटलर्जी क्या होता है? समझ में आ गया। तो अब देखो, इसको साफ करने के, प्योर करने के बड़े सारे तरीके, बहुत अलग अलग तरीके मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब क्या? कि हमको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आपका ओर से हम लोग को हमारा जो मेटल है वो मिलने वाला। तो सबसे पहले क्या है? सेपरेशन। सेपरेशन कौन कौन से बेसिस पर सकता है? देखो, मैं आप लोग को सिंपल सा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा डीप में नहीं घुसेंगे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी क्लास हो चुकी है। कितनी बड़ी हो गई पता है आप लोगों को? तो पता ही होगा, ठीक है, 55 मिनट हो गया मुझे यहाँ दिख रहा है रिकॉर्डिंग में कि 55 मिनट हो गया ऑलरेडी, और मैं नहीं चाहता कि ये डेढ़ घंटे दो घंटे की क्लास बने। सो मैं आप पे 10-15 मिनट में एक्चुअली में ये कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो सबसे पहला क्या है? विल्फी टेबल मेथड। देखो, विल्फी टेबल मेथड क्या होता है? एक ऐसी टेबल होती है, ये सब कुछ ग्रेविटी सेपरेशन है, ये भी जान लो, ग्रेविटी सेपरेशन मतलब हम लोग ग्रेविटी का हेल्प करेंगे, ग्रेविटी का यूज करेंगे और उससे हम लोग सेपरेशन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, मेरे पास बहुत ही ज्यादा ओर प्रेजेंट है, बहुत ओर प्रेजेंट है, और मैंने क्या किया, एक ऐसा टेबल लिया और उस टेबल पे ना, देखो मैं आपको समझाता हूं, एक ऐसी सी स्लैंट सी टेबल होती है, ठीक है, एक ऐसी सी झुकी हुई क्या रहती है? टेबल रहती है, क्लियर है, समझ में आ गया। और इसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे ये लगे रहते हैं साइड साइड में, ऐसे साइड साइड में कुछ स्ट्रक्चर्स लगे रहते हैं, और यहां से वो प्योर होके निकल जाएगा, आपका जो मेटल है वो यहां से ऐसा प्योर होके निकल जाएगा। तो होगा क्या? देखो, यहां से पानी छोड़ा जाएगा और साथ ही साथ ओर छोड़ा जाएगा, ओर छोड़ा जाएगा, सही है। तो जो मेटल्स हल्के होंगे, ठीक है, सॉरी, जो इंप्यूरिटीज, हम लोग इंप्यूरिटी को गैंग्यू बोल सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हो, इंप्यूरिटी के लिए अच्छा वर्ड क्या है? गैंग्यू। तो इंप्यूरिटी हटाओ और गैंग्यू यूज करो। सो मेटल विथ गैंग्यू ओर, और गैंग्यू मतलब क्या? इंप्यूरिटी। तो जो गैंग्यू बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होगा वो फटाक से क्या हो जाएगा? बह जाएगा, ठीक है, इस पानी में क्या हो जाएगा? इसमें वाटर हम लोग छोड़ रहे हैं, वाटर छोड़ रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा? वो बह जाएगा। और आपका जो हैवी मेटल है वो क्या हो जाएंगे? इस साइड साइड में क्या हो जाएंगे? अटक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज विल्फी टेबल मेथड। क्लियर है, समझ में आ गया। इतना ही था, और ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, और ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या है? दैट इज हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोलिक सेपरेशन? देखो, कुछ ऐसा सा फनल दिखा रहा होगा आपको, आपके बुक में कुछ ऐसा सा फनल दिखाया होगा, फनल नहीं है, एक बड़ा सा सेपरेटिंग मेथड, और यहां से आपको ओल डालने के लिए जगह होगा, सही है, ओल डालने के लिए जगह होगा, और यहां से क्या रहेगा? पानी आ रहा होगा, सही है, पानी आ रहा होगा। तो पानी क्या करेगा? बहुत ही तेज फ्लो में पानी आता है, ठीक है, बहुत ही तेज फ्लो में क्या होता है? पानी आता है, जिसके वजह से क्या होगा? अब जो मेटल होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो मेटल क्या हो जाएगा? यहां सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, मेटल क्या हो जाएगा? यहां सेटल डाउन हो जाएगा, और जो इंप्यूरिटीज होंगी वो इस पानी में ऊपर चली जाएंगी, सही है, इस पानी में ऊपर चली जाएंगी, और यहां से एक छोटा सा छेद होता है, इसके थ्रू ये जो इंप्यूरिटी है वो निकल जाएगा और बचा के आपका मेटल, क्लियर है। इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज हाइड्रोलिक सेपरेटिंग मेथड। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? दैट इज मैग्नेटिक सेपरेटिंग मेथड। मैग्नेटिक सेपरेटिंग मेथड हम लोग उसी चीज में यूज करेंगे जो आपका मेटल मैग्नेटिक हो, ठीक है, जो आपका मेटल क्या हो? मैग्नेटिक हो। देखो, एकदम सिंपल है, दो रोलर लो, ठीक है, एक आपका ये चक्का, एक ये चक्का, दोनों चक्का मैग्नेटिक है, ठीक है, सो दो बोथ आर मैग्नेटिक, दिस इज ऑल्सो मैग्नेटिक, ठीक है। अब इसके ऊपर एक प्लेट लगा दो, इसे प्लेट लगा दो, नॉन मैग्नेटिक प्लेट है, ठीक है, ये क्या है? थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ठीक है, ये नॉन मैग्नेटिक है। चक्की, चक्की चलते हुए देखी होगी ना आप लोग ने, दो रोलर चल रहा है और उसके ऊपर एक प्लेट लगा दिया, प्लेट लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं अपना ओर दूंगा,
यहां से मैं क्या करूंगा अपना और गिराऊंगा इसके ऊपर, सही है। और यहां से क्या करूंगा, यहां पे दो मेरे यहां पे जहां पे मेरा चीजें कवर होने वाली, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज जहां पे आपका चीजें कवर होने वाली, इट इज अ कलेक्टर, सो इट इज अ कलेक्टर, समझ में आई बात, ये आपका कलेक्टर है। अब यहां पे क्या मैंने छोड़ा, और छोड़ दिया, ठीक है, यहां पे मैंने क्या छोड़ दिया, और छोड़ दिया। और आपके ये जो जितने भी ये जो है ना सर्कल्स है, दीज आर द मैग्नेटिक, ये क्या है, मैग्नेटिक है, तो ये क्या होंगे, ऐसे आगे आगे आएंगे, आगे आगे आएंगे, क्योंकि ऐसे चल रही है पट्टी, ऐसे घूम रही है, तो ये आगे आगे आते, आगे आगे आते, और जो भी नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है, जो भी नॉन मैग्नेटिक है वो उड़ के इसमें चले जाएंगे, ठीक है, और जो मैग्नेटिक है उसके ऊपर थोड़ी सी अट्रैक्शन देखने मिलेगी, सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन है, तो आयरन थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा और फिर वो इसके अंदर आ जाएगा, समझ में आ रही बात। तो जो मैग्नेटिक है वो इसमें गिरेंगे और जो नॉन मैग्नेटिक है वो इसमें गिरेंगे, क्यों, क्योंकि भैया देखो ये नॉन मैग्नेटिक है, ऐसे आएंगे, ऐसे जोर से आएंगे, जोर से आएंगे, उड़ जाएंगे यहाँ पे, जो थोड़े से मैग्नेटिक है उनके बीच में क्या होगी, थोड़ी सी अट्रैक्शन होगी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गिर जाएंगे, क्लियर है, समझ में आ गया, इट इज अ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, दैट इज फ्रूथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रूथ फ्लोटेशन मतलब क्या होता है, देखो फ्रूथ का मतलब होता है झाग, झाग देखा आपने कभी, आप पानी और ये लो, ठीक है, क्या बोलते हैं, निर्मा पाउडर आता है ना, उसको क्या करो, मिलाओ, तो आपको ऊपर झाग देखने मिलती है, दैट झाग इज अ फ्रूथ, ठीक है, उसी को हम लोग फ्रूथ बोलते हैं। होगा क्या, देखो ध्यान से सुनो, एकदम समझ में आएगा, ध्यान से सुनो, एक ऐसा फनल ले लो, फनल तो नहीं बोल सकते, एक मशीन है छोटी सी, ठीक है, यहाँ पे आपका एक ओपनिंग है और यहां से आपका पानी भेजना आप लोग, ठीक है, यहां से रिमूव होने वाली चीजें, तो यहाँ पे क्या है, देखो एक सेकंड थोड़ा सा देखने दो कैसे स्ट्रक्चर है, आ गया, ओके, सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक आपका रोलर लगा होगा जो इस चीज को ऐसे ब्लेड सी लगी होगी जो इसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है, पानी में घूमता रहेगा। अब इसके अंदर क्या डालना है, आप लोग को ऑयल डालना है, ठीक है, ऑयल डालना है, कौन सा ऑयल डालना है, पाइन ऑयल, कौन सा ऑयल डालना है आप लोग को, पाइन ऑयल डालना है, साथ ही साथ वाटर डालना है, साथ ही साथ क्या डालना है, वाटर डालना है। अब आप लोग बताओ डेंसिटी किसकी कम होती है, वाटर ऑयल की, वाटर की, वाटर की, ऑयल की ना, तो ऑयल क्या होगा आपका, फॉर एग्जाम्पल यहां पे होगा, तो आपके जो ऑयल वाले पार्टिकल होंगे, ठीक है, ऑयल वाले पार्टिकल होंगे वो ऐसे ऊपर तैरने लगेंगे, ठीक है, ऑयल वाले पार्टिकल ऊपर तैरने लगेंगे और आपका जो वाटर होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहां पे आपका वाटर आ जाएगा, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा आपका, सही बात है, यहां पे वाटर आ जाएगा। अब देखो कुछ इंप्योरिटीज हाइड्रोफोबिक होती है और कुछ होती है हाइड्रोफिलिक, दो वर्ड है सुनो, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। देखो फोबिक का मतलब होता है डर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भैया इसको हाइट से फोबिया है, फोबिया मतलब क्या, इसको हाइट से डर है, सही है, तो फोबिक का मतलब होता है डर, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे चीजें, ऐसे मेटल्स, मटेरियल जिसको क्या है, पानी से डर है, पानी से डर का मतलब क्या है कि ये पानी में डिजोल्व नहीं होते, ठीक है, ये पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, तो जो भी मेटल पानी में डिजोल्व नहीं होते वो ऑयल में डिजोल्व होते, वो किसमें डिजोल्व होते हैं, ऑयल में डिजोल्व होंगे, तो आपका हाइड्रोफोबिक मेटल किसमें डिजोल्व हो जाएगा, ऑयल में। और फिलिक का मतलब क्या होता है, फिलिक का मतलब होता है लव, प्यार, ठीक है, लव, प्यार, सो फिलिक का मतलब होता है प्यार, और यहां पे क्या, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, तो जो वाटर से प्यार करता है, मतलब जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकता है, ठीक है, तो ये किसमें डिजोल्व हो जाएगा आपका, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ इंप्योरिटीज है जो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगी, कुछ इंप्योरिटीज है जो ऑयल में डिजोल्व होंगी। अब इसको जब आप घुमाओगे, घुमाओगे तो इस ऑयल का यहां पर झाग बन जाता है बच्चों, ऊपर साइड में बहुत ज्यादा झाग बन जाता है, और इस ऊपर के झाग को निकाल दिया जाता है, तो जितनी भी इंप्यूरिटीज थी ऑयल सोल्यूबल वो आपकी यहां से रिमूव हो गई और वाटर सोल्यूबल वाली चीजें नीचे रह गई, सिंपल है। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फ्रूथ फ्लोटेशन मेथड, क्लियर है, समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब देखो हम लोग मेटल का थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन देखते हैं कि आपका एक मेटल है जिसका नाम है एल्यूमिनियम, उसको हम लोग कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे, सही है, ऑक्सीडाइज मतलब क्या, उसको कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, सही है। तो इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है ये किस फॉर्म में मिलता है नेचर में, पता है, ये मिलता है बॉक्साइट में, ठीक है, बॉक्साइट क्या होता है, बॉक्साइट इज अ फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम जो कि कहां मिलता है आपको, नेचर मिलता है। इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज Al2O3, ठीक है, Al2O3.NH2O, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ H2 हो सकते, सही है, नंबर ऑफ H2 हो सकते हैं। इस रिएक्शन में हम लोग कौन सा बॉक्साइट ले रहे हैं जिसमें 2H2 है, कहां कौन सा ले रहे, दैट इज 2H2O वाला ले रहे। ऐसे बड़े सारे अलग अलग टाइप के बॉक्साइट हम लोग को मिलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सो अगर मैं सिर्फ बॉक्साइट की बात करूं तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.NH2O, वहां पे N मतलब क्या, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर, ठीक है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्लियर है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, आपका एक बॉक्साइट ले रहे हैं, This is the bauxite. अब देखो यहां पे रिएक्शन है,
यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये मेंशन जरूर से कर देना कौन सा सॉलिड फॉर्म में, कौन सा एक्वस फॉर्म में, मैंने यहाँ पे शायद नहीं मेंशन किया, इट इज इन एक्वस फॉर्म, इट इज इन लिक्विड फॉर्म, ये सारी चीजें आप लोग क्या करना, मेंशन करना अपने रिएक्शन में भी, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या है आपका, जब ये Al2O3.2H2O रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, दैट इज यहां पे ये बनाता है, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बनाता है ये, सोडियम एल्यूमिनेट, यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, देखो यहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि यहां पे मेरा लिखने का टाइम वेस्ट ना हो, जैसे अभी मैंने पीछे लिख के समझा रहा आप लोग को, तो मुझे लगता है कि मुझे उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए मैंने यहां पे क्या किया, ऑलरेडी सारी चीजें लिख दी है, बस मुझे आप लोग को एक्सप्लेन करना। तो क्या बना यहां पे देखो, Al2O3.2H2O क्या होगा, NaOH के साथ रिएक्ट होगा और क्या बनेगा, दैट इज NaAlO3, सही है, NaAlO2 बनेगा, क्या इसका फॉर्मूला है, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। अब ये सोडियम एल्यूमिनेट को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, यही वाला वाटर, ठीक है, ये तीन वाटर मिला ना, इसको जब आप वाटर के साथ वापस रिएक्ट करोगे तो क्या बना देगा, दैट इज ये NaOH बना देगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं, दैट इज सोडियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ट्राइऑक्साइड भी बोल सकते हैं क्योंकि यहां पे तीन है, लेकिन नॉर्मल नाम क्या है आपके लेवल पे, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है। इस मेथड को देखो, दो मेथड है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, ये आपका बेयर्स प्रोसेस हो गया, जो ये मैंने अभी प्रोसेस समझाया ना, इट इज अ बेयर्स प्रोसेस। एक और प्रोसेस है हॉल्स प्रोसेस, क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये समझ में आया आप लोग को, ये एकदम इजी है, दैट इज ये NaO से रिएक्ट होगा, ठीक है, तो ये आपका ये Na है, ये Na है, ये इस Al2 सॉरी इस AlO3 को लेके निकल जाएगा, अब यहाँ पे Al कितना है, दो, यहाँ पे Al सिर्फ एक है, इसीलिए मैंने इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिखा हुआ है। तो देखो सिर्फ बैलेंसिंग चल रही है और कुछ नहीं है, सब बैलेंस का खेल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला मैंने, ये NaAlO3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaOH, देखो ये वाला Na इधर से OH निकल जाएगा, वाटर में OH होता है ना, तो यहां से OH लेके भाग जाएगा वो, सही है, और बचा क्या, दैट इज Na, यहाँ पे दो OH बचा, सही है, देखो यहाँ पे क्या है, HOH और HOH, सही है, H2O, H2O, 2H हो गया, एक आपका Na इस OH को लेके भाग गया, सही है, क्या बचा, एक H बचा और एक HOH बचा, सही बात है, H बचा और एक HOH बचा। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, यहां से ये Al2O3, ठीक है, Al2O3 है, सॉरी AlO3 है, अब ये Al क्या करेगा, Al क्या करेगा, यहां से एक OH निकालेगा, सही है, यहां से एक OH निकालेगा, एक OH हो गया, सही है, एक OH हो गया, यहां पे कितने OH है, तीन OH है, कितने OH है, तीन OH है, तो ये क्या करेगा, यहां पे तीन ऑक्सीजन है, तो यहां से दो ऑक्सीजन निकाल देगा, एक ऑक्सीजन और इस एक ऑक्सीजन से ये वाला H रिएक्ट करेगा, तो यहां पे एक OH, ये वाला H रिएक्ट करेगा तो यहां पे एक OH, तो बन गया, एक OH पहले से था, एक इसके साथ रिएक्ट करा तो एक OH, एक इसके साथ रिएक्ट करा तो एक OH, तीन OH बन गया, दैट इज द 3OH, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। एक और प्रोसेस है हॉल्स प्रोसेस, दिस इज द हॉल्स प्रोसेस, क्या होता है इसके अंदर, देखो वही चीज है, आपका बॉक्साइट रिएक्ट करेगा, दैट इज Na2CO3 के साथ, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ, इट इज अ सोडियम कार्बोनेट, लिख दे सोडियम, ओ है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, दैट इज NaAlO2, ठीक है, NaAlO2, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जो कि उड़ जाएगा और आपका वाटर मिलेगा, सेम इसको पकड़ो, कहां गया आपका NaAlO2, इसको पकड़ो और इसको रिएक्ट कर दो वाटर के साथ और CO2 के साथ, तो क्या बनाएगा, ये वही चीज बना, दैट इज AlOH3, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के दो प्रोसेस है, सिंपल है, आप लोग को एग्जाम में दोनों प्रोसेस नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ एक ही प्रोसेस पढ़ना है, कोई भी एक प्रोसेस पढ़ना है, अगर एग्जाम में आया कि भैया एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बताओ हमको कैसे होता है, तो आपको कोई भी एक प्रोसेस पढ़ना है जो आप लोग को इजी लगे, जो इजी लगे वो प्रोसेस पढ़ना है और उसे आपको एग्जाम में टीप के आ जाना है, समझ में आ रही बात। तो क्या बोला इसने, Al2O3 फॉर्म करने के दो प्रोसेस है, एक बेयर्स प्रोसेस और एक आपका हॉल्स प्रोसेस। अब इसके आगे क्या, जब आपका Al2O3 फॉर्म हो जाएगा, सॉरी AlOH3 फॉर्म हो जाएगा, तो आप क्या करो, उसको हीट करो, कितने टेम्परेचर पे, 1000 डिग्री सेल्सियस पे, कितने, 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या हो जाएगा, यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3, और इसी को ही एल्यूमिना भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्यूमिना, क्लियर है। और यहां पे क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, सही है। अब यहां से नेक्स्ट क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब क्या, एक कंटेनर लो, ठीक है, एक कंटेनर लो, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, इलेक्ट्रोड डाल दो, एनोड कैथोड डाल दो, सही है, और उसके अंदर क्या डालना है आप लोग को, ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड डालना है, तो अलग अलग हो जाएगा, आपका पॉजिटिव वाला क्या, आपका इस पे जाके लग जाएगा कैथोड पे, एनोड पे जाके लग जाएगा, और जो आपका नेगेटिव चीज है वो कैथोड पे जाके लग जाएगा, सिंपल सी बात है ना, ऐसी होता है ना, एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन, लेकिन ये क्या है, रिडक्शन है, ये क्या है, रिडक्शन है, तो रिडक्शन याद करो, रिडक्शन में क्या होता है कि भैया रिडक्शन में आप या तो ऑक्सीजन को लूज कर दो या तो हाइड्रोजन को गेन कर लो, सही बात है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लूज हो जाएगा, यहाँ पे Al2O3 रख तो यहाँ पे Al क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 3। ये वाला रिएक्शन आपके बुक में नहीं दिया हुआ है,
इसे लिख लें कृपया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप, अब देखो आप एनोड और कैथोड के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। दो ऑक्सीजन यहाँ पे था, ठीक है, दो ऑक्सीजन है, इसको हमने जब ऑक्सीजन बना तो चार इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, इसमें से दो तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गए एल्यूमिनियम में, और यहाँ पे क्या बन गया आपका प्योर एल्यूमिनियम। ये क्या है आपका प्योर एल्यूमिनियम। क्लियर है, समझ में आ गया, समझा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव, सॉरी मॉडरेट रिएक्ट। अभी ये जो हम लोग ने पढ़ा वो रिएक्टिव मेटल का था, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। लेकिन ये क्या है, अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा मॉडरेट, मतलब जो थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका जिंक है। सो रोस्टिंग, सबसे पहला क्या है, रोस्टिंग मेथड, और दूसरा क्या है, कैल्सिनेशन। दो मेथड है, एक रोस्टिंग और एक कैल्सिनेशन। देखो रोस्टिंग क्या होता है, रोस्ट करना, जैसे मैंने किसी मुर्गे को रोस्ट कर दिया, ठीक है, मतलब रोस्ट मतलब क्या, सेक दिया उसको मैंने ऑक्सीजन के, ठीक है। तो रोस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप क्या करोगे, किसी भी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे। और हीट करने के लिए रोस्टिंग हमेशा किसमें यूज होता है, जिसमें सल्फाइड हो, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, सल्फर प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, सल्फर। अगर आपके पास सल्फर एज अ गैंग्यू प्रेजेंट होगा, गैंग्यू मतलब इंप्योरिटी, तो अगर आपका इंप्योरिटी सल्फर प्रेजेंट होगा तो आप रोस्टिंग करोगे, अगर सल्फर नहीं होगा तो कैल्सिनेशन करोगे। यही डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है। अगर आपके पास सल्फर होगा तो रोस्टिंग कर दो, नहीं है तो कैल्सिनेशन कर दो। आओ देखते हैं रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन में आप क्या करो, इसे बर्न करो। तो क्या होगा यहां पे देखो, ZnS2, ठीक है, यहां पे देखो सल्फर है, सल्फर है, इसको क्या करो, रिएक्ट करवा दो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्ट होगा ये, तो क्या बनेगा, दैट इज Zn ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड लिख दे यहां पे, जिंक ऑक्साइड, और यहां पे क्या बनेगा, दैट इज SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड लिख दे यहां पे, सल्फर डाइऑक्साइड लिख लोगे, चलो लिख के दे देते, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं कैल्सिनेशन की मेथड की, कैल्सिनेशन मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज ZnCO3, ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, ZnCO3, यहां पे सल्फर प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हीट करो आप, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जिंक ऑक्साइड, और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, सही है, गैस है ना, तो ये उड़ जाएगा, यहां पे भी ये उड़ जाएगा, सही है। फिर आपका रिडक्शन करना है, आप लोगों को रिडक्शन में क्या करना है, दैट इज ये लेना है जिंक ऑक्साइड और कार्बन लेना है। फिर क्या होगा, कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को ले लेगा, यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, कार्बन मोनो ऑक्साइड, और ये बचा आपका जिंक, आपका प्योर जिंक, प्योर लिख दे, प्योर जिंक, क्लियर है, समझ में आ गया। सो दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, मतलब ऐसे मेटल्स जो बहुत कम रिएक्शन करते हैं, बहुत कम रिएक्शन है, बहुत इजी है उनका, कुछ नहीं है। कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम द CuS बाय जस्ट हीटिंग, ठीक है। अगर आपके पास CuS है, मतलब क्यूपरस सल्फाइट है, क्यूपरस सल्फाइट, इसको हम लोग क्यूपरस सल्फाइट बोलते हैं, तो अगर क्यूपरस सल्फाइट है तो जस्ट उसको हीट करो, गर्म करो, वो क्या बना देगा, दैट इज कॉपर बना देगा। कैसे होगा, देखो क्यूपरस सल्फाइट ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो क्या बनेगा, दैट इज क्यूपरस ऑक्साइड, यानी कॉपर ऑक्साइड, और यहां पे SO2 गैस निकल जाएगा, इट इज अ रोस्टिंग, अभी बताया मैंने आप लोग को, सही है, इट इज अ रोस्टिंग। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये वाला जो क्यूपरस ऑक्साइड मिला, ये किससे रिएक्ट करेगा, इसी कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, यहां से वापस क्या निकल जाएगा, SO2 निकल जाएगा गैस, और आपका क्या बचेगा, दैट इज 6 CO, यानी 6 copper, क्लियर है, समझा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। देखो रिफाइनिंग ऑफ मेटल बहुत इजी है, तीन लाइन का दिया हुआ है, वो तीन लाइन में क्या लिखा है ना, मैं आपको बताता हूं, मैं वहां पे क्या लिखा हुआ है कि इंप्योर चीज को आप प्योर चीज में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, बता दिया मैंने आप लोगों को, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या, कि एक कंटेनर है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, मतलब कोई सॉल्यूशन डाल दो, उस सॉल्यूशन के अंदर प्लस भी और पॉजिटिव भी होगा, और उसमें एनोड डाल दो, कैथोड डाल दो, तो जो भी चीज नेगेटिव वाली होगी उस सॉल्यूशन में वो फटाफट कैथोड के पास चली जाएगी, और जो भी चीज पॉजिटिव वाली होगी वो फटाफट एनोड के पास चली जाएगी। क्यों, क्योंकि एनोड नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, सिंपल है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, सही है। तो इंप्योर चीजें कन्वर्ट हो जाती है प्योर में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, खत्म, समझ में आ गया, इतना इजी है। नेक्स्ट क्या है, आजा भाई, नेक्स्ट है कोरोजन ऑफ अ मेटल। कोरोजन मतलब क्या होता है, देखो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा और चीज है, बस वो आप लोगों को बता दूंगा, फिर खत्म हो जाएगा लेसन। तो क्या है यहां पे कोरोजन ऑफ मेटल, मतलब क्या कि जब आपका मेटल, ठीक है, मेटल के ऊपर अगर कोई जंग लग जाता है, ठीक है, मेटल का आपने देखा होगा ना अपने आसपास, मेटल के ऊपर ऐसे रेड कलर का एक सब्सटेंस लग जाता है, जो कि जिसकी वजह से आपका मेटल बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। और ये कोरोजन किसके प्रेजेंस में हो सकता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है, जैसे आपके एयर में, ठीक है, आपके एयर में ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा घूम रहा है, ठीक है, मॉइस्चर में हो सकता है, वाटर की वजह से हो सकता है, ठीक है, H2O के वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीजें किसके वजह से होती है, आपके ऑक्सीजन और वाटर की वजह से। तो वैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ, जैसे आयरन, ठीक है, Fe अगर ऑक्सीडाइज होगा, या फिर
मॉइस्चर से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, दैट इज Fe2O3 और .H2O, ठीक है, Fe2O3 .H2O, इट इज फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड क्या है, फेरस ऑक्साइड इज अ कोरोजन, ठीक है, ये जब अगर आपके मेटल ऑक्सीडाइज हो गया इसका मतलब क्या है, वो उसके ऊपर जंग लग गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे कॉपर है, जैसे आप लोगों ने घर पे आपके बहुत सारी चीजें होती है, कॉपर का कोई घड़ा रखा होगा या फिर कॉपर का कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, वेसल्स होंगे कोई कॉपर के, सही है, तो वो कॉपर का जब आप उसको कॉपर का रिएक्ट करोगे, ठीक है, नेचर में रिएक्ट होगा CO2 के साथ, किससे रिएक्ट होगा ये CO2 के साथ, तो क्या बनेगा, दैट इज कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, और ये क्या है, इसकी रस्टिंग है। वैसे Ag यानी सिल्वर, सिल्वर सल्फेट सल्फाइड के साथ रिएक्ट हो जाता है, आपके जो नेचर में H2S गैस प्रेजेंट है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस, ठीक है, इससे रिएक्ट हो जाता है आपका Ag, ठीक है, सिल्वर के जो मेटल्स होते हैं और वो थोड़े से ब्लैक होने लगते हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने कि घर में जो सिल्वर के चांदी के जो जो भी सिक्के रखे या फिर मम्मी को चांदी का पहनती है तो वो कुछ टाइम बाद ऐसे काला पड़ने लगता है, ब्लैक पड़ने लगता है, क्यों, बिकॉज ऑफ H2S गैस, वो H2S गैस इससे रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है Ag2S, क्लियर है। वैसे आपका एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इट इज एल्यूमिनियम, क्लियर है, समझ में आ गया, समझा यहां पे Al2O3 क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आ जाओ नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है, वी हैव टू प्रिवेंट ऑफ कोरोजन। अब देखो ये जो मेटल्स है ना ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, अभी मैं घर बना रहा हूं तो मैं घर में क्या लगा रहा हूं, वो सरिया बोलते हैं ना उसको, बड़ा सा रॉड रहता है इसका मेटल का, तो सरिया लगा रहा हूं, अभी मेरा जो मेटल है अगर वो कोरोड हो गया, वो ढीला हो गया, वो टूटने लगा तो मेरा घर भी टूट सकता है, सही है, बड़ी अजीब मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगह है वो खराब हो सकती है, बहुत महंगा, अभी सिल्वर देखो चांदी बहुत पैसा लगता है ना उसको खरीदने में, अगर वो काली पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी ना यार, ठीक है, इतना महंगा है, फिर उसको खरीदा फिर वो ब्लैक हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो मुझे क्या करना है एज अ साइंटिस्ट, ठीक है, मुझे क्या करना है कि बच्चों ऐसा कुछ ढूंढना है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ मेटल को, ठीक है, मेटल को क्या कर सकता हूँ भैया, इसको कोरोजन होने से बचा सकता हूँ। सो मैं क्या करूंगा, एक चीज है जिसको हम लोग कुछ प्रोसेस यूज करूंगा, उस प्रोसेस को हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस दैट इज गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, दैट इज अ लेयर ऑफ जिंक, एक जिंक होता है, जिंक कोरोजन नहीं करता, जिंक कभी भी खुद ये नहीं करता, क्योंकि जिंक क्या है, बहुत ही कम रिएक्टिव है, बहुत ही लेस रिएक्टिव है, ठीक है, तो जिंक क्या करो आप, कोई भी आपका मेटल है जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका मेटल है, ठीक है, ये आपका मेटल है, तो आप क्या करो, जिंक की इसके ऊपर कवरिंग चढ़ा दो, तो अगर मैं जिंक की कवरिंग चढ़ा दूंगा, ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा, जिंक की कवरिंग चढ़ा दूंगा तो मेरा ऑक्सीजन इससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। देखो प्रिवेंशन में हमको क्या करना है, हमको सिर्फ गैसेस को, ठीक है, हमको सिर्फ गैसेस को रोकना है, किसके बीच में, मेटल से टच होने के बीच में, जैसे मैं कोई मेटल हूं तो अगर मुझे गैसेस टच नहीं कर पा रही है इसका मतलब मैं प्रिवेंट हो गया, सही बात है, अगर ये कोई आपका मेटल है, सही है, और मुझे इसको कोरोड होने से बचाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके बीच में एक ऐसी दीवार बना दूंगा, किसके बीच में, मेटल और गैस के बीच में, वो दीवार की वजह से दोनों एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, अगर दोनों मिलेंगे नहीं तो कभी पंगा होगा ही नहीं, सही बात है, दोनों कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, सही है। सो वही चीज है, गैल्वनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, आपका नॉर्मल सा मेटल है उस मेटल के ऊपर क्या करो, एक जिंक की लेयर चढ़ा दो, क्या करो, जिंक की एक लेयर चढ़ा, जिसके वजह से ये बाहर की जो एयर है वो इससे नहीं कॉन्टेक्ट करे, ये इस बाहर से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगा, सही है। लेकिन जो जिंक की लेयर होती है ना वो बारिश के टाइम पे, मतलब ज्यादा बारिश हो गया, एक बार दो बारिश तीन बारिश में ये जिंक की लेयर टूटने लगती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार टाइम टू टाइम गैल्वनाइजेशन करना पड़ेगा। वैसे ये होता है टिनिंग, ठीक है, टिन टिन पता है आप लोग को, जैसे आपके घर में टिन का डिब्बा आता होगा, तो टिन क्या होता है, जनरली एक मेटल की सरफेस है, मेटल के ऊपर एक टिन का कवरिंग लगा दो, जैसे गैल्वनाइजेशन था इसमें हम लोग जिंक का कवरिंग लगा रहे थे, वैसे अगर आप टिन की लेयर बना दोगे, किसकी लेयर बना दोगे, टिन की लेयर बना दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, टिनिंग, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज एनोडाइजेशन, ठीक है, एनोडाइजेशन मतलब क्या होता है, सिंपल सा वही इलेक्ट्रोलाइट वाला, दिस इज द चेंबर, इसके अंदर क्या डाल दो, एनोड डाल दो, एनोड, दिस इज द एनोड, एनोड आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, तो दूसरे आयन्स आएंगे, छोटे छोटे आयन्स आएंगे पॉजिटिव चार्ज वाले, ये आपका कोई मेटल है तो इस मेटल के ऊपर क्या हो जाएंगे, वो ऐसे लग जाएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, ऐसे लग जाएंगे, पॉजिटिव बनाना चाहता हूं मैं, ठीक है, तो ऐसे लग गए, इसका मतलब क्या है कि दीज आर, इस एनोड से हम लोग, एनोड से हम लोग ने किया, सो इट इज अ एनोडाइजेशन। वही नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बहुत हद तक सेम है एनोडाइजेशन से, बस इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ हम लोग एनोड यूज करते हैं, इसमें आप एनोड भी यूज कर लो एंड कैथोड भी यूज कर लो, ये एनोड भी यूज कर लो और कैथोड भी यूज कर लो, तो जब आप इन दोनों को, मतलब आप इलेक्ट्रोड को यूज करके, इन दोनों को हम लोग साथ में मिला के इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को साथ मिला के आप इलेक्ट्रोड कह सकते हो। सो अगर आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक में प्रोसेस में,
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और लास्ट है हमारा, दैट इज अलॉइंग। ठीक है, अलॉइंग मतलब क्या, किसी भी चीज का अलॉय बना देना। अलॉय क्या होता है, देखा होगा आप लोग ने, आपके घर पे स्टील आती है, स्टील देखा, स्टील देखा होगा, स्टेनलेस स्टील देखा होगा, वो ये क्या है, ये कोई मेटल है, ये कोई नॉन मेटल है? नहीं बच्चों, ये क्या है, मेटल मेटल और मेटल नॉन मेटल का मिश्रण है। ठीक है, मेटल मेटल और मेटल मेटल, मेटल मेटल सॉरी, मेटल मेटल और मेटल नॉन मेटल का मिश्रण है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉय। ठीक है, सो अलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, अगर आप अलग अलग टाइप के क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप के मेटल्स को नॉन मेटल्स को एक साथ मिला के, ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जो क्या करेगा, कभी भी कोरोजन नहीं करेगा। तो उसको हम लोग एग्जाम्पल इसका दे सकते हो, जैसे आप इसका एग्जाम्पल क्या दे दोगे, आप स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील दे दो, स्टील का स्पेलिंग गलत हो गया, क्लियर है? ठीक है, स्टेनलेस स्टील इज एग्जांपल ऑफ अलॉय, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के अलग अलग मेटल्स यूज करेंगे, नॉन मेटल्स यूज करेंगे, जिसके वजह से आपका जो ये है स्ट्रक्चर है, जो भी आपका ऑर्नामेंट है, वो कभी भी कोरोड नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अलॉइंग। ठीक है, मतलब आप अलॉय फॉर्म कर दो। क्लियर है, समझ में आ गया? सो यहां पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां पे आपका चैप्टर पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई नो थोड़ी सी बड़ी वीडियो बन गई, एक घंटा 19 मिनट की वीडियो बन गई, बट कोई बात नहीं बच्चों, आपको पूरा का पूरा एक शॉट में मैंने पूरा का पूरा लेसन एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया है। ठीक है, सो अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो इंस्टाग्राम पे आना मेरे और फटाक से बताना कि सर मुझे सब कुछ समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो भी आके वहां पे आके आप पूछ सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया? क्लियर है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से कर दे, लाइक जरूर से कर दो वरना पाप लगेगा। सही है, तो लाइक जरूर से कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो, और हमारा जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर दो। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर मैं नेक्स्ट लेसन पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।